टेंथ में होते हैं, इलेवेंथ ट्वेल्थ में, तो उनको बोलते हैं घर वाले लाइक आप अच्छे मार्क्स लाओ, आप बोलो आपको हम गाड़ी लाएंगे, आपको हम स्कूटीज लाएंगे, आपको हम बाइक्स लाएंगे। वैसे जो वो बच्चा होता है उसमें और ज़्यादा ये होता है कि नहीं हाँ अब मेरे को स्कूटी मिलेगी, मेरे को गाड़ी मिलेगी, अब तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही है। दैट मीन्स कि कहीं कहीं पे पेरेंट्स की गलती है कि जो दे रहे हैं लाइक स्कूटी, यहीं से बोल रहे हैं कि हाँ आप ये ले लो, आप वो करो, आप ये करो। आपको पापा ने बोला था जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं स्कूटी या गाड़ी लाऊं? हाँ मुझे बोला था। बोला था, लाया क्या? मुझे बोला था लेकिन अभी नहीं लाया, लेकिन बोला था। हाँ आप क्या चलाते हैं? स्कूटी। स्कूटी चलाते हैं, तो आपको लगता है सही कर रहे हैं? नहीं मुझे नहीं लगता सही है, लेकिन लाइक ब्लेम किसको किया, पेरेंट्स को कि जो हमें गाड़ी वगैरह देते हैं या स्कूटीज वगैरह देते हैं, कि उन्होंने इन्हीं को ब्लेम किया कि लाइक आप खुद अपने बच्चे के मतलब ना मौत के जिम्मेदार हो। ऐसा ऐसे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाते हैं जिनके बच्चे माइनर्स हैं और जिनको हमने पकड़ा था वाइल्ड ड्राइविंग, तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इस वक्त हम मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में। आज यहाँ पे अवेयरनेस एक प्रोग्राम चलाया एसएसपी ट्रैफिक ने मुजफ्फर अहमद शाह ने, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वालिदैन को यहाँ पे बुलाया, उनकी काउंसलिंग की और उन बच्चों को बुलाया जो माइनर्स स्कूटी चला रहे या फोर व्हीलर चला रहे, और उन्होंने इस प्रोग्राम में वाजिया किया वालिदैन को कि आप अपने बच्चों को जो माइनर है जब आप उनको स्कूटी देते हैं तो आप कितना गलत कर रहे हैं, और उनको समझाने की कोशिश की कि जो हादसे हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन भी ज़िम्मेवार है, वो लोग भी ज़िम्मेवार है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को टू व्हीलर या फोर व्हीलर दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम है इसके ऊपर एक्शन करना, मगर अगर ये रुक सकता है इसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वालिदैन भी बेहतर रोल निभा सकते हैं। और इसमें हमने काफ़ी वालिदैनों को यहाँ पर देखा और काफ़ी उन बच्चों को देखा जो आए दिन सड़कों पर नज़र आते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर जाते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के हाथ में आप स्कूटी या फोर व्हीलर मत दीजिए जो माइनर है, उसके बाद बड़े हादसे होते हैं। कहीं एक बच्चों ने आज तक अपनी जाने गवाई, कहीं एक माओ ने अपने लगते जिगरों को खोया है, मगर कारण खाली यही है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो माइनर जो है वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला रहे। और इस काउंसलिंग में उन्होंने जोर भी दिया, कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिखाए जहां पे बच्चा स्कूटी चला रहा है और उसका वालिद जो है वो पीछे बैठा हुआ उस स्कूटी के ऊपर, इसके ऊपर भी जोर देते हुए उन्होंने ये सब बातें कही। क्या कुछ एसएसपी ट्रैफिक का कहना है, आइए देखते हैं। इनके लिए बुलाया था कि लाइक हम जो है टीनेजर जो स्कूटी ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं कि ये हम ना नहीं करें, बिकॉज इससे हमारा ही नुकसान होगा लाइक एक्सीडेंट्स वगैरह, बिकॉज वी डोंट वेयर हेलमेट्स एंड यू नो लाइक अगर हम लोग गाड़ी में बैठे वी डोंट आर यूजिंग लाइक ये सीट बेल्ट्स एटसेट्रा फॉर ऑल स्टूडेंट्स लाइक मी, फॉर ऑल गर्ल्स, फॉर ऑल बॉयज, दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन लाइक अब कभी कभी अर्जेंट होता है, कभी कभी काम होता है, लाइक ट्यूशन जाना होता है, हर टाइम बस प्रेफर नहीं कर सकते, हर टाइम ऑटोज प्रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट फील कम्फर्टेबल इन बसेज और इन ऑटोज, बिकॉज आपको पता है लाइक आजकल के लोग कैसे टॉकिंग अबाउट मैन, टॉकिंग अबाउट बॉयज, वो दे आर नॉट, आई एम नॉट फीलिंग सेफ इन फ्रंट ऑफ। अगर आप स्कूटी ड्राइव करेंगे आप पहले लेसन के लिए अप्लाई करेंगे? या अब तक नहीं चला? नहीं पक्का। प्रॉमिस। जो पहले भी हुआ था आज भी जो उसी सिलसिले की ये कड़ी थी आज। इट इज़ जस्ट दैट कि जिस तरीके से ना पब्लिसिटी इसको मिलनी चाहिए थी उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं मिलती थी और हम देते भी नहीं थे, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये छोटे बच्चे हैं, माइनर्स हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट रहता है जब इनको पकड़ के इनका जो चालान आगे जाके हम बेचें तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके इन पर पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा। हम इस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे कि थ्रू काउंसलिंग ऑनली ये सिलसिला जो है रुक जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हुआ। सो यू आर फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी जो हम जस्ट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी ऑल्सो, हम सोच रहे थे कि जस्ट बाई गेटिंग देम हेयर और उनके पेरेंट्स से बात करके ये रुक जाए ये, लेकिन रुका नहीं। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ टू बी डन द हार्ड वे, तो लेट इट बी लाइक दैट ऑनली, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है। द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ ऑल्सो टेकन ए वेरी सीरियस नोट ऑन दिस वन, जो पेरेंट है या जो जिसकी जिसकी ये गाड़ी है या टू व्हीलर है अलॉन्ग विद द माइनर, दे विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए
मैं आई एम नॉट इन टू नंबर्स कि मैंने इतने किए, मैंने इतने चालान किए, मैंने इतनी सीज किए, आई एम नॉट इन टू नंबर्स. बेसिक मेरा देखें अल्टीमेटली मेरा जो दी जिसको कहें ना कि हमें पहुंचना कहाँ पे है, हमें पहुंचना है इस सिचुएशन पे कि जहाँ पे आम आदमी का जो कम्यूट है श्रीनगर सिटी में वो ईजी रहे. दूसरा है कि एक्सीडेंट्स का जो नंबर है, जो फेटलिटीज़ का नंबर है श्रीनगर में, इसको कैसे काम किया जाए. तो दिस इज़ अ मीन्स टू एन एंड. तो एंड मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि श्रीनगर सिटी शुड बी बेटर फॉर यू व्हाइल यू कम्यूट. श्रीनगर सिटी शुड बी बेटर व्हेन वी कंपेयर एक्सीडेंटल डेटा कि पिछले साल क्या था, इस साल कम होना चाहिए, अगले साल इससे कम हो. तो बेसिकली मीन्स टू एन एंड हमारा एंड जो है इसका, हम इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि हमें कोई चीज़ जो है बेहतरी के लिए अगर हो तो बहुत अच्छा है, और इसमें बेहतरी लाना हम सबका फ़र्ज़ है. हम अपने लेवल पे तो करेंगे ये, लेकिन पॉसिबल तब तक पूरी तरह से नहीं होगा जब तक आम आदमी का जो इसमें पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपको दिखाना बेसिकली दैट इज़ इंडिकेटिव, क्योंकि हमने एक जो एक नंबर सर्कुलेट किया था व्हाट्सएप जिस पे स्पेसिफिकली चल रहा है, जब हमने रिक्वेस्ट की थी आम आदमी से, एक आम पेरेंट्स से, कि अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है कि गलत है तो आप इसको रिपोर्ट करें. और वो एक कंसर्न सिटीजन ने हमें उसी नंबर पर जो हमने सर्कुलेट किया था ये पिक्चर्स भेजी थी. इनफैक्ट इट वॉज मल्टीपल पिक्चर्स थी, एक तो जिसमें ये बच्चा दिख रहा है, छोटा बच्चा, पीछे बहुत एक बुज़ुर्ग बैठा है, और दूसरा उसी का दूसरा जो जो फोटोग्राफ था उसमें बाज़ाब्ता नंबर भी दिखता था. तो हमने जो रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप कोई चीज़ हमें भेजते हैं तो इट शुड बी विद एविडेंस, तो बाज़ाब्ता दैट पर्टिकुलर कंसर्न सिटीजन हैड डन हिज वर्क. तो हमारा काम उसके बाद शुरू हो गया, वी हैड गॉट दैट पेरेंट ऑल्सो. आज हमारे पास यहाँ पे था जो ये पेरेंट्स हमने बुलाया था यहाँ पे, जो इनको बुलाया था यहाँ पे. एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे रियलाइजेशन हर किसी को होनी चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है. अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है हमें व्हाट्सएप पे, बहुत सारे जो हैं मैसेजेस हमें अलॉन्ग विद एविडेंस आ रहे हैं. आई वाज सरप्राइज कि मुझे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी लोग, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू अस कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में फलानी फलानी जगह पे ये वायलेशन हो रही है, तो हमें भेज रहे हैं. तो जो कंसर्न वहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं. बट द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर नंबर पे वो बहुत ज़्यादा है. जब पकड़े जाते हैं तो देन दे कैन रिजॉर्ट टू एनीथिंग. हमने देखा कि माइनर को हम पकड़ते हैं, उसके बाद जो सामने आता बंदा वो कह रहा जी मैं चला रहा था, जबकि पिक्चर एविडेंस हमारे पास है. कोशिश है हर किसी चीज़ की कि ना पेरेंट्स पर्टिकुलरली की कि सम हाउ इसको ना ट्विस्ट किया जाए इस तरीके से, ताकि हम इस पर्टिकुलर, क्योंकि जब उनको रियलाइजेशन होती है कि उनको भी इसमें सज़ा मिल सकती है, तो कोशिश रहती है उनकी कि इसको हम दूसरी कोई डायरेक्शन दें. बट आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आने ही नहीं दो इन द फर्स्ट इंस्टेंस. यहाँ पे सवाल पेरेंट्स का, हालांकि आपका डोमेन नहीं है, कहा था कि लर्निंग लाइसेंस हमें आरटीओ से मिल रही है, हमारे बच्चे छोटे हैं. देखें ये एक पर्टिकुलर पैन इंडिया सिस्टम है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हैं. अगर डेट ऑफ बर्थ माइनर की है तो सवाल ही नहीं है, पॉसिबल होगा कि उसको आप लर्नर्स लाइसेंस, 18 साल से कम लर्नर्स लाइसेंस मिलेगी. क्योंकि मैंने उस पेरेंट को स्पेसिफिकली बोला कि आप मुझे दिखाओ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको लाइसेंस मिली है कि जब आपका जो ये ना बच्चा है माइनर है. इधर मेरे हिसाब से तो जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो गलत डाला है, तब जाके ना कोई चीज़ वहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये पैन इंडिया है, ये सिर्फ इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू यूटी ऑफ J&K. वट इज़ एप्लीकेबल इन केरला इज़ एप्लीकेबल इन J&K ऑल्सो. सिस्टम पैन इंडिया है तो ना इट इज़ ए रोबस्ट मैकेनिज्म. बट एट द सेम टाइम अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई लूप होल ऐसा है कि जिसको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, दैट इज़ वाई मैंने बताया था उसको कि आप हमें दिखाएं. सो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू शो इट टू मी, ताकि अगर कुछ ऐसा है मैं आई कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कि ऐसा कुछ है. बहुत अच्छा है ये जो SSP साहब ने यहाँ पर बुलाया, हमें अवेयरनेस किया कि छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, बिना लाइसेंस की गाड़ी मत दे दो. हम जो क्या करते हैं, अगर बच्चों को गाड़ी देते हम सीधी खुदकुशी करते हैं. अपने बच्चों को बोलते सीधे जाओ नदी में डूब के मर जाओ बिना लाइसेंस की गाड़ी देने के लिए. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पेरेंट को बुला के यहाँ पे इनको अवेयर करना कि आप बच्चों को गाड़ी मत दे दो. बट आप प्लीज़ कहाँ, एक्चुअली हमें पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अपने को अवेयर करें, तो पुलिस कहाँ कहाँ बेचारी पहुँचे. ये सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम के 9 बजे तक रोड पर लगे होते हैं, ये भी कहाँ क्या, मुझे नहीं लगता है खाना कब खाते होंगे जितनी अभी मेहनत कर रहे हैं. वह जिम्मेदारी वालदेन की है. SSP ने यही जोर दिया कि आपने छोटे बच्चों को गाड़ी, छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने मत दो, जो माइनर है उनको गाड़ी मत दे दो, बिल्कुल मत गाड़ी दे दो.